को। उमरा के मेरे भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मुमरा में पेशेंट की संख्या तो बड़ी नहीं है, लेकिन सस्पेक्टेड की संख्या बड़ी है। कलवा में 10 पेशेंट मिल चुके हैं और सस्पेक्टेड की संख्या बहुत बड़ी है। इसलिए आज पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका दोनों ने निर्णय लिया है कि सभी एरिया सील किए जाएंगे। आप बुरा मत मानिए, तरकारी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, जान है तो जान है, तब जिंदा रहोगे तब खाओगे। मैं आपको बताता हूं कि जनाजा उठाने के लिए 4 लोग रखते हैं मुसलमानों में, और हिंदू में अर्थी उठाने के लिए 4 लोग लगते हैं। कोई 4 लोग अर्थी उठाने को और 4 लोग जनाजा उठाने को भी नहीं मिलेंगे, ऐसी हालत हो जाएगी। क्योंकि मरने के बाद भी वो जो वायरस है वो जिंदा रहता है। कोई 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 सहूलत नहीं दी जाए। मुझे आज बड़ी खुशी है कि सभी अधिकारी मिलजुल के महानगर पालिका के अधिकारी और पुलिस प्रशासन एक साथ कार्रवाई कर रही है। जो भी गली हमको दिख रही कि उस गली में कुछ आसार है, जैसे दरगाह रोड अमृत नगर, इस गली में पेशेंट पाए गए, वो गली पूरी लॉक कर दी जाएगी। कलवा का जानकी नगर, कलवा की विशाल विराट सोसाइटी, कलवा की साई, कलवा का साई बाबा नगर, कलवा का विटावा नाम का एरिया पूरा लॉक किया गया है। इससे सख्त कार्रवाई शुरू होगी। मोटरसाइकिल आज कलवा में 60 जमा हो गए, मुमरा में 110 जमा हो गए, कल से और होंगे। बुरा मत मानिए, ये जो कुछ कर रहे हैं आपके जान के लिए कर रहे हैं। मैं खुद घूम रहा हूं, मैं आज 2 घंटा मुमरा और कलवा पूरा घुमा हूं। आपको लगेगा मैं क्यों कर रहा हूं, तो मेरे बच्चों के लिए करने मेरा फर्ज है, मेरे माता पिता के लिए करना मेरा फर्ज है। मैं भले ही महाराष्ट्र का मंत्री हूं, लेकिन मुझे बनाया है कलवा और मुमरा में, जिनके ऊपर मेरा प्यार है और अधिकार है। इस अधिकार से मैं बोल रहा हूं कि आप घर से बाहर नहीं आओगे, मैं आपको निकलने नहीं दूंगा।